असलम टू व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी सिज्जी। तो इस रेसिपी को देखने से पहले जो मेरे चैनल में नहीं है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम लोगों ने 3 ग्रीन चिलीस ऐड किए हैं, फ्रेश पुदीना ऐड किया हमने, तकरीबन 1/4 कप हमारे पास पुदीना था और 1/4 कप हमारे पास धनिया है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। रहीम, 1 टीस्पून यहाँ पे सूखा धनिया हम ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, लाल मिर्च आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे नमक, 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर डालती है, 1.5 टीस्पून यहाँ पे हम चाट मसाला ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो ग्रीन मिर्च, धनिया, पुदीना हमने वो किया था इसमें ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम लोग गार्लिक का पाउडर, गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम लोग लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम सिरका ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक होल चिकन लिया है विथ स्किन, इस पे हम नमक डाल रहे हैं। नमक इस तरह लगा देंगे और इसको अच्छे से रब कर लें। दोनों साइड्स पे नमक लगा दें आप लोग और अच्छे से रब कर लें। और यहाँ पे हम 1 टीस्पून सिरका लगाएंगे और इसे भी अच्छे से रब कर लें। अब इसको हम लोग 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अभी हम लोगों ने जो चिकन ले लिया है इसकी हम लोगों ने ये कट लगा के इस तरह कर दिया है और इसमें हम लोग मसाला ऐड करेंगे और इसके अंदर तक इसको हम लगाएंगे। हम मसाला लगाएंगे और ये कट भी हमने अंदर लगा लिए इस तरह करके, तो अंदर से ये पूरा इस तरह कट लगाए हैं और इस तरह हमने मसाला इसमें लगाना है। लोगों ने इसके अंदर भी मसाला लगाना है, इस तरह हम लोगों ने इसके अंदर भी मसाला लगाना है। अच्छे से लगा ले मसाला। अब इसकी साइड चेंज करके हमने यहाँ पे भी इसको अंदर मसाला इसका ऐड कर देना है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी और कैसी लगी आप लोगों को। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मसाला लगा देना है, इसका मसाला बहुत अच्छे से लग जाए। अभी हम लोगों ने मसाला लगा दिया है, अब आप इसको 4 आवर्स के लिए रख दें, वैसे आप इसे ओवरनाइट के लिए रख दें। अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे बेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी बेक हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्ती लगी है, बहुत ही जबरदस्ती बनी है। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही जबरदस्त सा लग रहा है। तो अब मैं आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।